एक आदमी को बिल्कुल अकेला दिखाया जाता है जो अपना बर्थडे केक काट रहा होता है। वो टाइम पास करने के लिए मूवी देखता है। दिल बेचारा, वो पूरे घर में अकेले ही रहता है। फिर उसके बाद उसके ऑफिस से एक कॉल आता है। वो ऑफिस जब जाता है तो वहाँ के एक स्टाफ उनको बताती हैं कि ऑफिस में आपने जिन लोगों को रखा है वो घोटाला कर रहे हैं, पैसे चोरी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा वो लोग कौन हैं, तो पता चलता है कि वो उसी कंपनी के CEO हैं, और वो जो लड़का है वो उस कंपनी का मालिक है, जो हीरो रहता है। वो जो ओनर है वो जाते हैं CEO के पास और जॉब से निकाल देते हैं। उसके बाद आगे का सीन दिखाते हैं कि एक दो कब्र है, वहाँ पे जो हीरो है उसको अपनी बचपन की बातें याद आती है। वो देखता है कि वो बहुत ही छोटा है और वो वीडियो हमेशा बनाया करता है। वो उसकी उस दिन जन्मदिन थी, वो किसी अनाथ आश्रम में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके मम्मी पापा भी उसके साथ हैं, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो बोलते हैं, क्या यार तुम हमेशा यहीं पे बर्थडे मनाते हो, मेरे को देखो मैं हर साल पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका जाके बर्थडे मनाता हूँ और तुम यहाँ अनाथ आश्रम में मनाते हो। खैर आगे दिखाते हैं कि वो बच्चा केक काटता है और फिर आगे बढ़ता है कहानी। जब वो लोग केक काट के पार्टी सेलिब्रेट करके घर जा रहे थे तो उसकी मम्मी पूछती है कि आप ऐसा क्यों करते हो, अनाथ आश्रम में ही बर्थडे क्यों मनाते हो। इसी बात करते करते गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके मम्मी पापा नहीं रहे। वो लड़का बेचारा बिल्कुल अकेले ही है। हेल्प हेल्प मांगता है लेकिन कोई उसकी मदद भी नहीं करता क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। उसके बाद कहानी अभी के दौर की दिखाई जाती है कि वो लड़का बड़ा हो गया है और अपने पापा की कंपनी का चेयरमैन बन गया है, पर वो अपनी फैमिली को बहुत ही मिस करता है। आगे दिखाते हैं हंसिका को कि वो एक शॉप खोली है जो छाता वाता शायद बेचती है। उसके दोस्त से बातचीत ही हो रही थी तो उसके वो हंसिका से पता चला कि किसी ने छाता को ऑर्डर किया है और आज मुझे कस्टमर को वो छाता देना है। उसके बाद हंसिका बाहर जाती है वो छाता लेकर और बारिश होने लगती है। वो हंसिका और उसके दोस्त काफ़ी खुश थे कि मेरा छाता बहुत ही अच्छा है और ठीक से काम करता है। उसके बाद कॉल आता है कस्टमर का कि जो मैंने छाता ऑर्डर किया था वो मुझे चाहिए, मैं लाल गाड़ी में हूँ, आके मुझे दे दो। हंसिका बोलती है ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन जैसे ही वो आगे जाने लगती है उसके उसके साइड से एक गाड़ी जाती है और हंसिका का चेहरा पे कीचड़ आ जाता है। इस वजह से हंसिका काफ़ी सोचती है कि ऐसे गंदे शक्ल में कैसे जाऊं, लेकिन बार बार वो जो हीरो था कॉल कर रहा था कि मुझे वो छाता जल्दी से दे दो, मुझे जल्द में वेट नहीं कर सकता। तो हंसिका बोल रही है ठीक है आती हूँ, लेकिन तब तक उसका चेहरा इतना गंदा हो चुका था वो अपने चेहरे पे किसी तरह ढक के आई और वो छाता दी। थोड़ा बहुत लड़ाई भी हुआ कि तुम्हारा जो सर्विस है बहुत ही बेकार है, अच्छी नहीं है, तुमने सही टाइम पे छाता नहीं दी। इस वजह से वो जो हीरो रहता है हंसिका को गूगल पे करता है। उसमें गूगल पे में जो पूरे पैसे नहीं देते हैं देता है, सिर्फ आधा पैसा ही देता है। तो हंसिका वहाँ पे बहुत गुस्सा होती है
बोलती है, ए मेरे पैसे दो, और गाड़ी के पीछे हंसिका दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते दिखाते हैं कि हंसिका जो है वो गिर जाती है, तो वो बाहर वो जो हीरो है गाड़ी रोक के बाहर आते हैं हंसिका को उठाने। लेकिन जैसे ही हंसिका को उठाता है तो हंसिका हीरो पे अटैक कर देती है, बोलती है मेरे जल्दी से पैसे दो नहीं तो मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगी। वहाँ पे थोड़ा बहुत हाथापाई होता है, लेकिन फिर भी वो जो हीरो रहता है किसी तरह गाड़ी में बैठ जाता है। जल्दी से बैठते बैठते वो हंसिका जब गाड़ी में बैठ जाता है तो हंसिका उसका कॉलर पकड़ती है, और वहाँ पे उसके दिखाया जाता है उसके स्किन में कुछ होता है एलर्जी, जैसे कि उस इंसान को जो हीरो था उसे एलर्जी है इंसानों के स्पर्श से, टच से। वहीं पे ये सीरीज ख़त्म हो जाती है पहली से। तो माई थ्री हॉट स्टार पे रिलीज हुई है, जो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि शायद 4 एपिसोड का है। मैं एक ही एपिसोड देख के समझ गई कि ये कोरियन मूवी आई एम नॉट रोबोट का है, मतलब हिंदी में इसे बनाया गया है। अगर माई MG3 मूवी देखना ही है तो इसे अच्छा है कि आई एम नॉट रोबोट कोरियन मूवी देख ले, जो कि हिंदी डब में भी मिल जाता है, वो मूवी ज़्यादा अच्छा है, उसमें रोमांस बहुत ही अच्छा है, वो मूवी देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माई थ्री बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही पकाऊ मूवी है। शायद 4-5 एपिसोड का है, लेकिन मैंने एक ही एपिसोड देख कर छोड़ दिया है।